पहली बार हम लोगों को मौका मिला कि हम झारखंड में जो इतनी सारी जो हमारी कमी है उसको पूरा करें। हम लोगों को पीड़ा होता है ये सब सुन के, और ऐसे समाज में ऐसे लोग हैं जो आज भी जहाँ पे महिला सशक्तिकरण का बात होता है हर जगह, लेकिन ऐसे समाज में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो महिलाओं को बस एक वस्तु समझते हैं। जब मौका मिलता है तो वो कुछ ना कुछ बोलते हैं। उनके समय में तो वो खुद गोलियां चलाते थे, उनके समय में तो खुद पुलिस घर घर घुस के महिलाओं को लाठी से पीटा जाता था। नमस्कार, इस डी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ गौरी रानी। झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज अंतिम दिन है और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद हैं। सबसे पहला सवाल कि बजट सत्र आज खत्म होने वाला है, काफी छोटा सत्र था, क्या लगता है कितने जन मुद्दे उठ पाए और विपक्ष का कितना साथ मिला? देखिए, हर दिन मैं तो मुद्दा उठाई हूँ, चाहे महिलाओं की बात हो। अभी सबसे बड़ा जो उपलब्धि है जो हमारी सरकार का होने वाला है कि राज्य में जितनी भी महिला कर्मी है उसको जल्द ही 2 साल का जो शिशु देखभाल के लिए जो अवकाश किसी किसी राज्य में मिलता है वो अब हमारे झारखंड राज्य में भी लागू होगा, ये हमारा ही प्रश्न था। और बाल विभाग में सरकार जी हमें आश्वासन मिला कि 3 महीने के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा, और चाहे वो मामला हो पंचायत जनप्रतिनिधि का, चाहे मुखिया हो, जिला परिषद सदस्य हो, वार्ड सदस्य हो, पंचायत समिति सदस्य हो, इन लोगों का मांग रखा जो 29 अधिकार जो इनको मिला जाता है उसको सुनिश्चित कराने के लिए। और कई ऐसे मामले हैं जो हमारे क्षेत्र से जुड़े हुए थे, विस्थापन आयोग का गठन कराने के लिए हमने मांग रखा है, जो मुझे इस बार उस पर भी आश्वासन मिला है कि सरकार उसको जल्द करेगी। देखिए, लंबा लड़ाई है, हमारी सरकार पहली बार हमारे झारखंड में बनी है और पहली बार हम लोगों को मौका मिला कि हम झारखंड में जो इतनी सारी जो हमारी कमी है उसको पूरा करें। बहुत हद तक तो मैं नहीं कहूँगी कि पूरी कमी पूरा हो गया है, लेकिन बहुत आगे तक सरकार ने ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं कि हमारे राज्य में जो रोटी कपड़ा मकान का जो हर घर में जो समस्या था। मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ और मेरा पूरा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरिया है, तो हर मोड़ पे हर गांव एक एक घर छोड़ के लगभग हर किसी का समस्या तो रोटी कपड़ा मकान रहता ही था। तो कल जिस तरीके से संथाल परगना में विदेशी महिला के साथ गैंगरेप होता है, क्या इसको सदन में आप उठाएंगे आवाज़? बिल्कुल उठाएंगे, ये महिला का सवाल है और इस तरह का मामला हम लोगों को पीड़ा होता है ये सब सुन के, और ऐसे समाज में ऐसे लोग हैं जो आज भी जहाँ पे महिला सशक्तिकरण का बात होता है हर जगह, लेकिन ऐसे समाज में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो महिलाओं को बस एक वस्तु समझते हैं, बस एक शरीर के रूप से देखते हैं, उससे ऊपर वो उठ नहीं सकते। तो ऐसे लोगों के ऊपर ठोस कार्रवाई होने की ज़रूरत है ताकि बाकी लोगों को कह रहा है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है इस सरकार में। ठीक है, विपक्ष तो जब मौका मिलता है तो वो कुछ ना कुछ बोलते हैं। उनके समय में तो वो खुद गोलियां चलाते थे, उनके समय में तो खुद पुलिस घर घर घुस के महिलाओं को लाठी से पीटा जाता था, और ये मेरा मतलब मेरे क्षेत्र का मामला है, बाकी जगह तो हमने सुना ही है, लेकिन जो मैं खुद महसूस की हूँ, खुद जो चीज़ से गुजरी हूँ वो चीज़ आपके सामने रख रही हूँ कि हम लोग बहुत झेले, मेरे क्षेत्र की जनता बहुत झेली है। बीजेपी सरकार में हमारे क्षेत्र में डर का माहौल रहता था, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहता था, लोग अपनी मांग को लेके कहीं पे जा नहीं पाते थे, इतना डरते थे, और निश्चित रूप से पूरे राज्य में डर का माहौल था। आज देखिए, हमारे सरकार में जितने भी चाहे वो युवा हो, चाहे अनुबंध कर्मी हो, चाहे वो कोई भी कर्मी हो, जो अपनी मांगों को लेके, चाहे सैलरी मानदेय से संबंधित हो, चाहे नियुक्ति से संबंधित हो, चाहे किसी भी विसंगति से संबंधित हो, हर कोई अपनी मांग को पूरा इंडिपेंडेंट होके रख रहा है। आखिरी सवाल लेंगे, प्रधानमंत्री मोदी कल झारखंड के धनबाद में पहुंचे, वहां पर उन्होंने गठबंधन पर जमकर निशाना साधा, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस लूट का पैसा रखी हुई अपने पास। देखिए, मैं इस पे क्या कमेंट करूं, क्योंकि ये हल्की बात है और ये बातें उस मंच में इस पद से नहीं आनी चाहिए थी। ये यहाँ पे काफ़ी हैं कुछ लोग जो चिल्लाते हैं, वो लोग काफ़ी थे ये सब बोलने के लिए, लेकिन निश्चित रूप से ये बेसलेस है, इस पर कोई सच्चाई नहीं है, वो आप भी जानते हैं। अभी तक कोई प्रमाण किसी तरह का नहीं आया है, और हमेशा देखे ईडी हो, सीबीआई हो, सब विपक्ष के घर पे ही जाते हैं, कोई भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि
बीजेपी के कोई नेता के घर ये लोग कभी भी पाए गए। तो हमारे साथ बात कर रही थी इस वक्त कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, डेस्ट न्यूज के लिए रांची से।